एवरीवन, मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लिस्ट स्लाइसिंग। सो पिछले वीडियो में हमने लिस्ट देखा था और लिस्ट के बारे में हमने एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखा था। आज हम देखने जा रहे हैं लिस्ट में इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ माई लिस्ट नाम का। सो माई लिस्ट, और इसमें कुछ डेटा स्टोर कर लेते हैं जैसे 10, एक स्ट्रिंग एलिमेंट स्टोर कर लेते हैं हेलो, एंड उसके बाद एक बुलियन वैल्यू स्टोर कर लेते हैं ट्रू, फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर लेते हैं 12.36। सो ये हमारा लिस्ट हो गया। अगर इस लिस्ट को आप देखना चाहते हो सो प्रिंट, और लिस्ट का नाम क्या है, माई लिस्ट, सिंपल इसका नाम लिख दो और ये आपको आउटपुट आ जाएगा LIST माई लिस्ट। एरर आ गया क्योंकि ऊपर जो लिस्ट का आई है वो मैंने अपर केस में दे दिया है, वो लोअर केस में रहेगा। इस सेल को फिर से रन करते हैं और ये देखो हमारा लिस्ट आ गया, ठीक है। अब इंडेक्सिंग क्या होती है, हमारे लिस्ट में हर एलिमेंट का इंडेक्स होता है जैसे स्ट्रिंग में होता है। सो पहले एलिमेंट जो 10 है उसका इंडेक्स होगा 0, देन हेलो का इंडेक्स होगा 1, देन ट्रू का एलिमेंट इंडेक्स होगा 2, एंड उसके बाद 12.36 का एलिमेंट होगा 3, राइट। और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग किस साइड से होती है, राइट हैंड साइड से। सो लास्ट वाले एलिमेंट का नेगेटिव इंडेक्स होगा 1-1, देन -2, देन -3, देन 10 का -4, राइट। सो स्लाइसिंग होता क्या है, सपोज आपको सिर्फ इस स्ट्रिंग में से कोई, सॉरी लिस्ट में से इसका कोई पार्ट ग्रैब करना हो, जैसे मान लो आप हेलो और ट्रू इन दोनों को ग्रैब करके निकालना चाहते हो लिस्ट के फॉर्म में, तो कैसे करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले सिंटेक्स देखो, हमारा लिस्ट जो भी लिस्ट का नाम होगा वो लिखेंगे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम तीन वैल्यू देते हैं, पहला स्टार्ट कि हमें कहाँ से लिस्ट को ग्रैब करना है, स्टार्ट करना है, देन कॉलन, फिर दूसरी वैल्यू स्टॉप, फिर कॉलन, और तीसरी वैल्यू स्टेप साइज। सो स्टार्ट का मतलब होता है किस इंडेक्स नंबर से हमें स्टार्ट करना है, स्टॉप का मतलब होता है कहाँ तक हमें जाना है, अगर इंडेक्स आपने स्टॉप पे 3 दिया तो 3 के एक पहले तक 2 तक ग्रैब होगा, और स्टेप साइज का मतलब होता है हर बार स्टेप साइज क्या लेना है, मतलब अगर स्टेप साइज आपने 1 ले लिया तो फर्स्ट 10 के बाद कौन सा सिलेक्ट करेगा। अब 10 के बाद एक स्टेप चलोगे किस पे चले जाओगे, हेलो पे, फिर एक स्टेप चले जाओगे किस पे जाओगे, ट्रू पे। बट सपोज आपने स्टेप साइज अगर 2 दे दिया तो पहले 10, और 10 के बाद आप 2 स्टेप चलो तो पहला हेलो दूसरा ट्रू, तो 10 के बाद फिर कौन सा ग्रैब करेगा, ट्रू। आया समझ में, तो इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ। और सिंपल जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, सपोज हमें हमारे लिस्ट में से हेलो और ट्रू इन दोनों को एक लिस्ट के फॉर्म में ग्रैब करना है तो हम कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऊपर सिंटेक्स देखो, सबसे पहले लिस्ट का नाम, सो लिस्ट का नाम क्या है, माई लिस्ट, देन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, पहली वैल्यू हम देंगे स्टार्ट, तो पहला एलिमेंट कौन सा चाहिए हमें, हेलो, हेलो का इंडेक्स क्या होगा 1, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वैल्यू दे देंगे 1, देन कॉलन, ओके। कहाँ तक चाहिए हमें, ट्रू तक चाहिए, तो ट्रू का इंडेक्स क्या होगा, 10 का इंडेक्स 0 है, हेलो का इंडेक्स 1 है और ट्रू का इंडेक्स 2 है, तो हम 2 ना दे के ट्रू के आगे वाले 3 का इंडेक्स देंगे, राइट, तो 3 के एक पहले तक लेगा, जो भी हम स्टॉप वैल्यू देते हैं उसके एक पहले तक लेता है, ओके। स्टेप साइज क्या होगा, हेलो के जस्ट बगल वाला ही प्रिंट करना है, यानी एक आगे जाना है, तो स्टेप साइज 1, राइट। अब इसको हम रन करेंगे, देखो आउटपुट आ गया हेलो और ट्रू। अब इसको आप अगर प्रिंट करना चाहो तो आप इस तरीके से प्रिंट भी कर सकते हो, माई लिस्ट, एंड देन उसके बाद ये अगेन मैंने आई, यहाँ पे मेरा अपर केस में हो गया, लोअर केस में होगा, और उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट में कहाँ से चाहिए हमें, 1 से कहाँ तक जाना है, 3 तक, स्टेप साइज क्या होगा 1, रन करते हैं, देखो प्रिंट आ गया। अब सोच रहे होगे यहाँ भी कैसे प्रिंट कर दे रहा है, तो जुपिटर नोटबुक का फीचर है कि अगर प्रिंट नहीं भी कर रहे हो तो आउटपुट शो कर देता है। आप चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, ये चीज़ तो मैं अपने लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप इसे सब लिस्ट कर लो, सब लिस्ट कुछ भी वेरिएबल ले लो स्टोर कर लो, राइट। अब अगर आप सब लिस्ट वेरिएबल को प्रिंट करते हो, प्रिंट सब लिस्ट, सब लिस्ट, सो आउटपुट वही आएगा। सो बहुत सारे तरीके हैं। अब स्लाइसिंग में दो तीन चीज़ और देखो,
सपोज हम मैंने लिखा प्रिंट लिस्ट का नाम क्या है मेरा माई लिस्ट, माई लिस्ट चेंज नहीं होगा, ग्रैब करने से जो ओरिजिनल लिस्ट है वही रहेगा, ये देखो ठीक है। सो सपोज आपको पूरा स्ट्रिंग पूरा लिस्ट प्रिंट करना है तो एक तो ये तरीका है कि लिस्ट का नाम लिख के प्रिंट कर दो। दूसरा क्या तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, सॉरी हाँ स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, अब अगेन इसमें तीन वैल्यू देंगे, पहला स्टार्ट, तो स्टार्ट वैल्यू को हम छोड़ देते हैं कॉलन लगा देते हैं, फिर स्टॉप, स्टॉप वैल्यू को भी छोड़ देते हैं कॉलन लगा देते हैं, और यहाँ पे तीनों में से कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो होगा क्या, तीनों डिफॉल्ट वैल्यू हो जाएगी, मतलब इंडेक्स क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट जीरो, ओके स्टेप क्या हो जाएगा सॉरी स्टॉप क्या हो जाएगा बाय डिफॉल्ट लास्ट वाले का इंडेक्स प्लस वन, ओके और स्टेप क्या हो जाएगा वो भी बाय डिफॉल्ट वन हो जाएगा। तो अगर इसको हम रन करते हैं तो आउटपुट वही आएगा पूरा लिस्ट। अच्छा ओके पूरा लिस्ट को प्रिंट करने का एक और तरीका है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ जीरो और कॉलन और उसके बाद स्टॉप मैं नहीं देता हूँ, स्टेप भी नहीं देता हूँ, मैंने सिर्फ पहले स्टार्ट दिया है फिर कॉलन लगा दिया, मतलब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मैं जीरो से लेके लिस्ट को पूरे एंड तक ग्रैब करना चाहता हूँ। सो आउटपुट देखो अभी भी आउटपुट आ जाएगा राइट। और अगर सपोज मैं स्टार्ट वैल्यू नहीं देता हूँ और सिर्फ स्टॉप वैल्यू देता हूँ, जैसे मैंने लिखा, ये प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक खासियत है हमारे जुपिटर नोटबुक की कि हम नॉर्मली ऐसे लिख के करेंगे तब भी प्रिंट आ जाएगा आउटपुट दे देगा। सो सपोज मैं करता हूँ माई लिस्ट और स्टार्ट वैल्यू मैं नहीं देता हूँ, मैं स्टॉप वैल्यू देता हूँ फोर, तो आउटपुट क्या आता है आपको क्या लगता है, एक मिनट सोचो वीडियो पॉज करके। सो रन करते हैं, सो देखो क्या आया, 10 हेलो ट्रू 12.36। आई होप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जो ये है हमारा जो लिस्ट है उसमें 10 का इंडेक्स क्या है, 10 का इंडेक्स है 0, देन हेलो का 1, देन ट्रू का 2, देन 12.36 का 3। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, मैंने स्टॉप वैल्यू 4 दिया है और स्टार्ट वैल्यू मैंने कुछ भी नहीं दिया है, स्टार्ट वैल्यू जो था मैंने कुछ भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर इसको 0 ले लेगा राइट। तो 0 से 4 के पहले तक 3 तक पूरा लिस्ट प्रिंट कर दिया, स्टेप साइज भी मैंने नहीं दिया है जो हमारा स्टेप साइज है, तो कंप्यूटर उसे बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा राइट। अच्छा चलो यहाँ पे स्टेप साइज मैं 2 दे देता हूँ, अब देखो क्या आउटपुट आएगा, और मैं स्टार्ट वैल्यू नहीं दूंगा तब भी 0 ही होगा बट मैं दे देता हूँ, रन करते हैं। सो देखो सिर्फ 10 और ट्रू, ऐसा क्यों, क्योंकि कंप्यूटर फर्स्ट टाइम 10 प्रिंट किया, 10 के बाद अब उसे 2 स्टेप लेना है, तो अब बताओ 10 के बाद 2 स्टेप लो कहाँ पहुँचोगे, पहला स्टेप हेलो दूसरा स्टेप ट्रू, ट्रू पे पहुँचोगे ना, तो इसलिए दूसरा आउटपुट यहाँ पे ट्रू आया है। अब ट्रू के बाद 2 स्टेप लो तो 12.36 पहला और दूसरे स्टेप पे कुछ है ही नहीं, तो और कुछ प्रिंट करेगा ही नहीं, क्लियर हुआ। अब देखो अगर हमें स्ट्रिंग रिवर्स करना है, अगर हमें लिस्ट को रिवर्स करना है तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है, अगर यहाँ पे हम तीन वैल्यू देते हैं, सपोज मैंने दे दिया कॉलन, दूसरी वैल्यू भी दे दिया मैंने कॉलन, और सपोज मैं यहाँ पे तीसरी वैल्यू देता हूँ स्टेप साइज -1, तो आउटपुट क्या आएगा, रन करते हैं देखो पूरा हमारा लिस्ट रिवर्स में आ गया। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट वैल्यू नहीं दिया तो कंप्यूटर स्टार्ट वैल्यू क्या ले लिया डिफॉल्ट, स्टॉप क्या ले लिया वो भी ले लिया डिफॉल्ट, मतलब स्टार्ट वैल्यू 0 और स्टॉप वैल्यू क्या होगा लास्ट वाले का इंडेक्स प्लस 1, बट मैंने यहाँ पे स्टेप -1 दे दिया, तो इसका मतलब हमारा कंप्यूटर पाइथन इंटरप्रेटर ये समझा कि ओके मुझे अब एंड से एक्सेस करना है, स्टार्ट करना है, एक एक स्टेप पीछे आना है, चलना अभी भी एक स्टेप है बट अब ऐसे पहले एलिमेंट से फिर दूसरे एलिमेंट पे फिर थर्ड एलिमेंट पे ऐसे नहीं जाना, -1 का मतलब एक एक स्टेप पीछे आना है। पहले 12.36 को एक्सेस करेंगे, तो देखो यहाँ पे पहले 12.36 प्रिंट किया है, देन -1 एक और पीछे है, ट्रू को एक्सेस करेंगे तो फिर ट्रू प्रिंट किया है, फिर हेलो फिर 10, ओके। सो ये था हमारा पाइथन में स्लाइसिंग का कंसेप्ट, आई होप वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो समझ में आई होंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो सही लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, थैंक यू।